नमस्कार मित्रों, निपु क्यू ट्रेविट इन्फॉर्मेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आपके खरगोश के छोटे बच्चे की आंखें खुल गई हैं तो उसको खिलाने के लिए क्या उपाय किया जाए। खरगोश के बच्चे को बकरी के दूध से मिश्रण से बना हुआ फार्मूला खिलाएं, जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। माँ खरगोश अपने बच्चों को सिर्फ शाम और सुबह 5 मिनट के लिए खिलाती है, इसलिए खरगोश के बच्चों को उनके वजन और उम्र के अनुसार दिन में सिर्फ 2 बार खिलाया जाए। और ये बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, हालांकि यह फार्मूला इतना पोषक नहीं है जितना कि माँ का दूध होता है, तो इसलिए अक्सर ज़्यादा बार खिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसको खिला सकते हैं, हल्का सा पानी में भिगो करके इसको खिलाएँ। खरगोश के छोटे बच्चों को खिलाने के बाद उनका पेट फूलता नहीं है बल्कि गोल हो जाता है, और जब पेट गोल नज़र आना बंद हो जाए तो समझ जाएं कि दोबारा खिलाने का वक्त हो गया है। और ये कोई नुकसान भी नहीं करता है, बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन है। इनका पुनर्वास करने वाले इनको ज़्यादातर इसका मिश्रण खिलाते हैं, जो इनके पुनर्वास केंद्र के स्टोर पर मौजूद होता है, आप दुकान से भी ला सकते हैं। तो इसको भी मिश्रण में मिला देना चाहिए, जैसे कि प्रोबायोटिक्स इसमें मिला होता है। यह मिश्रण गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि माँ खरगोश का दूध दूसरे छोटे स्तनधारियों के मुकाबले में गाढ़ा होता है, यानी 3 हिस्से ठोस खाने के और 4 हिस्से पानी के हिसाब से मिला करके आप इसको बना सकते हैं। इस फार्मूले को सीधा आग पर रख कर गर्म न किया जाए, बल्कि किसी बड़े बर्तन में पानी गर्म करके उसमें जो है पानी में रखते हुए तैरते हुए इसको गर्म करें। और इनको खिलाने के लिए आई ड्रॉपर जो मिलता है दुकान में, इसका प्रयोग करें। वाली जो है सिरिंज होती है, उससे निपल लगा होता है, उसमें मुंह में अपना जो है डालिए, इस्तेमाल की जाने सकती है। छोटे बच्चों को खिलाने के लिए 2.5 मिली जो है सिरिंज इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर जैसे जैसे खाने की मात्रा बढ़ती जाए वैसे वैसे आप इसका डोज भी बढ़ा सकते हैं। कभी भी खरगोश के बच्चे को गाय का दूध ना पिलाया जाए, क्योंकि वह सिर्फ बछड़े के लिए है, ना कि खरगोश के बच्चों के लिए, और वह दूध जो है खरगोश नहीं पचा पाएगा। तो आप इस बातों का ध्यान रखें और अपने खरगोश के बच्चों को ये पौष्टिक आहार पिलाएं। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम फिर मिलेंगे आपके नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ प्रभात, शुभ दिन, नमस्कार।